आज माघ शुक्ल पूर्णिमा रविवार 5 फरवरी 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में होली का डांडा रोपा जाएगा, जिसे रोपनी उत्सव कहते हैं। इस उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। यह गत वर्ष के कुछ दृश्य हैं आपके अवलोकनार्थ। हालांकि रोपनी उत्सव की भावना हम विगत प्रस्तुतियों में विस्तार से कर चुके हैं, जिनके लिंक वीडियो के अंत में दिए हैं। श्रीनाथ जी की नगरी से आज होने वाले होली के दंडारोपण के दृश्य हम आपके समक्ष कल की प्रस्तुति में रखेंगे। अब से एक माह तक प्रभु श्री जी की होली को तैयार किया जाएगा, तो साथ में एक माह तक श्री जी मंदिर में धमार चलती रहेगी। इस दौरान होने वाले विशेष आयोजनों एवं प्रभु श्री जी सहित पुष्टि मार्ग से विशिष्ट दृश्यों का हम आपको अवलोकन करवाते रहेंगे। होली का प्रदीपन फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार 7 मार्च 2023 को प्रातःकाल 6:54 से पूर्व होगा। इसी दिन धूली वंदन अर्थात धुरेंडी भी होगी। तब तक नित्य नवीन प्रभु श्री जी के दर्शन एवं आनंद लेते रहिए और जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग की सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। श्री जी दर्शन से पहले आज का सेवा क्रम देख लेते हैं। मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज का पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है तथा आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और आरती दो समय थाली वाली की जाती है। राजभोग में सिकोरी में 6 बीड़ा पधराए जाते हैं। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को अभ्यंग करवाया जाता है। आज श्री जी को नियम के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत श्वेत घेरदार वस्त्रों के ऊपर चौवा की चोली धराई जाती है तथा श्रीमस्तक पर श्वेत रंग की पाक के ऊपर मोरपंख का दोहरा कतरा धराया जाता है। भोग सेवा में भी कुछ विशेष होता है, जिसके तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में सिकोरी, जिसे हम मूंग की दाल इलायची व मावे के मीठे मसाले से भरी तवा पूरी जैसी सामग्री के रूप में देख सकते हैं, वह तथा दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी का भोग अरोगाया जाता है।
राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता रोगाया जाता है एवं सखड़ी में केसरी पेठा एवं मीठी सेवा रोगाए जाते हैं। भोग में फीका की जगह चालनिया रोगाई जाती है। आज से प्रतिदिन राजभोग दर्शन में प्रभु के मुखारविंद पर अर्थात कपोल पर गुलाल लगाई जाती है। आज से ही श्री जी में गुलाल की फेंट अर्थात पोटली भरकर गुलाल उड़ाई जाती है। आज प्रभु को धराए जाने वाले श्रृंगार नियत श्रृंगार हैं। इसके साथ ही नियम से ही कुछ विशेष परिवर्तन भी होते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। गोशंद पति सूत विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज मेघश्याम रंग के मौजा जी धराए गए हैं। मौजा जी के साथ प्रभु को आवरण से मिलवा पेंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक दुर्लभ आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में मलमल की सादा पिछुआई सजाई हुई है जिस पर होली खेल के तहत गुलाल, चंदन एवं अबीर से चिड़ियां उकेरी गई हैं। पिछुआई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछुआई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटाजी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटाजी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की त्रष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के रेशम के धराए गए हैं। इनमें प्रभु को सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए हैं। आज चोली प्रभु को विशेष धराई गई है। यह चौवा की चोली है जो श्याम रंग की है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग के धराए गए हैं और सुनहरी किनारी से सुसज्जित मोठड़ा का कटी पटका भी धराया गया है जो ऊर्ध्व भुजा की ओर है। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर एवं चंदन से कलात्मक रूप से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा अर्थात कमर तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज श्वेत श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर सिरपेच धराया है तो साथ में मोरपंख का सुनहरी फोंदना वाला दोहरा कतरा धराया हुआ है
साथ में शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा दो जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से प्रभु को आज ताइत वाली माला जी एवं हीरा की कंठी धराई गई है। अतः आज त्रवल नहीं धराया गया है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के बटदार वेणु जी एवं कटी पर ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। वसंत की सेवा के तहत प्रभु को पुष्प छड़ी के साथ पुष्पों से बने हुए सुंदर छोगा भी धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस मनमोहक रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज बड़ी डांडी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आज सांची कहो मनमोहन तो खेलो राजभोग में अष्टपदी होती है जिसके साथ खेलन भाग चली लालन संग आरती में ऋतु वसंत तरुलसंत शयन में ऋतु वसंत सुख खेलिए हो आयो कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आज से डोलोत्सव तक प्रभु श्रीजी में मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में जब होली खेल होता है तब प्रभु श्रीजी के श्री चरणों को वस्त्र से ढक दिए जाते हैं। भाव यह है कि प्रभु के ब्रज भक्त सख्य भाव से प्रभु के साथ आनंद से होली खेल सकें। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला राजभोग उत्थापन भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। साथ ही श्री मस्तक पर लोम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देखिए। यह प्रभु श्री जी की नगरी के कल सायंकाल शयन दर्शनों के पश्चात के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि गत 20 जनवरी 2023 को प्रभु श्री जी स्वरूपा ध्वजा जी कर्णावती शहर गुजरात पधारी थी और कल ध्वजा जी पुनः स्वग्रह प्रभु श्री जी मंदिर पधारी। वास्तविक आवाजों के साथ दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए।
जब प्रभु श्रीनाथ जी की ध्वजा जी पुनः श्रीजी मंदिर पधारती हैं तब श्रीनाथ बैंड द्वारा इसी प्रकार अगवानी कर सलामी दी जाती है। तत्पश्चात श्री कृष्ण भंडार में विराजती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पति सूत गाए जाके बसिए गोचंद्र पति सूत गाई मंदिता उर गज मोर
बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।